संकल्प जागा तो निष्ठुर भी बदला। श्रद्धांजलि उसी को अर्पित की जाती है जिसने अपने अंदर की इस दिव्य संपदा को जीवन की सतह पर उभारा हो, जिसके जीवन को देखकर औरों के मन में कभी करुणा का प्रवाह उमगने लगे। हर किसी के जीवन में वैसे अवसर आते हैं, यहां तक कि नीरस, निष्करुण, निष्ठुर कहे जाने वाले पाषाण के भी। जिस क्षण से वह अपने समूचे क्रम को उलटने के लिए तैयार हो जाता है, अद्भुत होता है वह क्षण, जब अभी तक जो चोट पहुंचाने, सिर फोड़ने का काम करता था, वह संकल्प लेता है कि अब से वह घनीभूत भावपुंज बनेगा, दूसरों की दिव्यता को उमगाने छलकाने में सहायक बनेगा। संकल्पित होते ही हथौड़ी की चोट के साथ, धारधार छैनी के हर घात के साथ निकाल फेंकता है अपनी क्रूरता को, निष्ठुरता को और उत्पीड़न की वृत्ति को। लगातार की यह अनोखी तपश्चर्या उसे भावों की प्रतिमा का रूप देती है, जन जन को दिखाई देता है यह अनोखा परिवर्तन। हर कोई आश्चर्य व हर्ष से विभोर हो कहता है, अरे उत्पीड़क अब घावों में मरहम लगाने वाला हो गया, चलकर हम भी सीखें यह अनोखी कला। आकर फूल चढ़ाते हैं, माथे नवाते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं। बदले में वह एक ही बात कहता है, मेरी ओर देखो, हर क्षण हो सकता है परिवर्तन का पर्व, इसी पल से अपने को बदलना शुरू कर दो। ऐसा ही एक चमत्कारी क्षण आया अशोक के जीवन में। उन दिनों वह अशोक महान न होकर चंड अशोक था, कलिंग के युद्ध का शिविर। आज हुई विजय के पश्चात उल्लास का पर्व मनाया जा रहा था। अहंकार व सत्ता के मद में चूर सैनिक अधिकारी घूम रहे थे। इसी बीच सम्राट ने महासेनापति को बुलाया। कुछ ही क्षणों के बाद वह सम्राट के शिविर में थे। सेनापति, युद्ध बंदी कितने हैं? सिर्फ एक। एक? अशोक के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। बाकी कलिंग के किशोर और वृद्ध, उन्होंने भी तलवार उठा ली थी सम्राट? उन्होंने भी? हाँ, तब तो अब कलिंग में महिलाएं भर रह गईं। वह भी नहीं रही। क्यों? अंतिम लड़ाई हमें उन्हीं से लड़नी पड़ी। ओह, कहकर वह किसी चिंतन में डूब गया। अच्छा, युद्धबंदी को हाजिर करो। जो आज्ञा। थोड़ी ही देर बाद एक लंगड़ा झुर्रेदार चेहरे वाला बूढ़ा सामने था। तो तुम हो? हाँ, मैं ही हूं आपकी विजय का उपहार, बूढ़े के स्वर में रोष था। विजय का उपहार और तुम? कहकर सम्राट हंस पड़ा। तो मेरी वीरता का सामना कलिंग निवासी नहीं कर सके? क्यों सेनापति? ये कहकर उसने पास खड़े सेनापति की ओर देखा। वह चुप था। वीरता नहीं, क्रूरता कहिए, बूढ़ा बोल पड़ा। क्रूरता? हाँ, लाशों के लोभी वीर नहीं हुआ करते। कुत्ते, गिद्ध, सियारों के चेहरों पर ही लाशों को देखकर प्रसन्नता नाच उठती है, पर उन्हें वीर नहीं कहा जा सकता। चुप रहो, सम्राट जैसे चीख पड़ा। कौन चुप रहे? नृशंस अथवा वह जिसका रोम रोम पीड़ा से चीत्कार कर रहा है? बूढ़े ने विषैली हंसी हंसते हुए कहा। अपनी क्रूरता को जाकर युद्ध भूमि में देखना, वहां हम जैसे कुछ और मिलेंगे। इस बूढ़े को यहां से हटाओ, सम्राट ने झल्ला कर कहा। सम्राट के कथन का बूढ़े पर कोई असर न था। उसने जाते जाते कहा, सताए हुए के कष्ट हरने, उत्पीड़ितों के उत्पीड़न को दूर करने का नाम वीरता है। वीरों के लिए कहा गया है, क्षत्रिय त्यक्त जीविता, दूसरों के लिए स्वयं के जीवन का मोह भी त्याग दे। जो हस्ती खेलती जिंदगियां बर्बाद करे वह क्रूर है, उन्मादी है। शिविर से बाहर ले जा रहे बूढ़े के ये स्वर अशोक के कानों में हथौड़े की तरह बजने लगे। रात बेचैनी से कटी। वीरता और क्रूरता की व्याख्या उसके अंतर को कछोटती रही।
तो क्या वह वीर नहीं? फिर वीरता के लिए किया गया यह सब कुछ? प्रश्न शून्य में विलीन हो गया, कोई उत्तर नहीं था। सुबह उठते ही उसने कहा, उस बूढ़े को बुलाओ। सैनिक दौड़ पड़े, थोड़ी देर में वे फिर हाजिर थे पर खाली हाथ, सिर झुकाए। क्यों? वह मर गया सम्राट। अरे, थोड़ी ही देर बाद सेनापति हाजिर हुए। उन्होंने बताया, राजवैद्य ने परीक्षा करके घोषित किया है कि असहय मानसिक पीड़ा का आघात उसे सहन नहीं हुआ और उसने दम तोड़ दिया। वह भी गया। अशोक बुदबुदाया। अपराह्न में सम्राट अपने मंत्रियों, सैनिकों, अधिकारियों के साथ युद्ध भूमि में थे। वहां थी सिर्फ लाशें, हाथी, घोड़े, आदमी, औरतों के कटे बिखरे चित्राए अंग, जिन्हें कुत्ते, सियार और गिद्ध इधर उधर घसीट रहे थे और खुश हो रहे थे। उसे रह रहकर बूढ़े की बातें याद आने लगी। किले के अंदर घुसने पर मिला राख का ढेर, तो उसने विजय किया शमशान को। अब वह किन पर शमशान करेगा? लाशों के ढेर पर? उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। सम्राट के अंतराल में सोई आत्मचेतना अंगड़ाई ले रही थी। वह शिविर में लौट आया। अब उसके मन में आज से 7 साल पहले के दृश्य घूम रहे थे। भाइयों के साथ लड़े गए भीषण युद्ध, नरसंहार, विनाश, ध्वंस, हंसते को रुलाना, जिंदे को मारना, मरे को कुचलना, यही था अब तक। यही था अब तक का उसका कृतित्व, जिसके बलबूते पर वह वीर कहलाने की डींग हांकता आया था। पर अब शिविर उखड़ रहे थे। वह मगध की ओर जा रहा था, पर मन में था परिवर्तन का संकल्प, क्रूरता को वीरता में बदलने का। न उसे वह बूढ़ा भूल रहा था और न कलिंग के लाखों लोगों का सर्वनाश। वह रक्त की प्रबल धारा, हताहतों का आत्रनाद, अंदर की बेचैनी की प्रबलता बढ़ती जा रही थी। मगध पहुंचकर उसने आचार्य उपगुप्त को बुलाया। आचार्य आए। उसका पहला प्रश्न था, वीरता और क्रूरता क्या है? त्रास से घिरे लोगों को बचाने, उनको सुख पहुंचाने हेतु अपने जीवन तक के मोह को तिलांजलि देकर जुट पड़ने का नाम वीरता है। और क्रूरता? उसने सम्राट के चेहरे की ओर देखा, कुछ रुककर कहना शुरू किया। बसी हुई बस्तियों को उजाड़ देना, खड़ी फसल में आग लगा देना, शोषण उत्पीड़न के चक्र चलाना, इसी का नाम क्रूरता है। कैसा साम्य है उस बूढ़े के और इन आचार्य के कथन में? अशोक ने मन ही मन सोचा। आचार्य, मैं वीर बन सकता हूं? सम्राट के स्वरों में पश्चाताप का पुट था। हां, क्यों नहीं? आचार्य की वाणी में मृदुलता थी, पर किस तरह? अब वाणी में उल्लास था, अंदर के दिव्य भावों को जगाकर। इन्हें जीवन के सक्रिय क्षेत्र अर्थात आचरण व व्यवहार में उतारकर क्या पहचान है इन भावों के जगने की? उदार आत्मीयता, अपनत्व का विस्तार, फिर कोई पराया नहीं रह जाता। दूसरों की तकलीफें स्वयं को निष्क्रिय, निठल्ला बने रहने नहीं देंगी। पैर उस ओर स्वयं बढ़ते, हाथ सेवा में जुटे बिना नहीं रहते। एक और चिन्ह है। वह क्या? अब स्वरों में उत्सुकता थी। स्वयं के जीवन का स्तर समाज के सामान्य नागरिक जैसा हुआ कि नहीं? यदि मन के किसी कोने में अभी वैभव को पाने का लालच, सुविधा संवर्धन की आतुरता है, बड़प्पन जताने, रोब गांठने की ललक है, तो समझना चाहिए कि भावों का स्रोत अभी खुला नहीं है। भावों का स्रोत खुले और अविरल बहता रहे, क्या इसके लिए कोई उपाय नहीं है? है, क्यों नहीं? क्या? स्वाध्याय और सत्संग, युगावतार भगवान तथागत के चिंतन को पियो। जिन्होंने उनके चिंतन के अनुरूप जीना शुरू किया है, उनका सत्संग करो। रोज न सही तो साप्ताहिक ही सही। ऐसे परिव्राजकों को
आज बड़ी संख्या में तैयार किया जा रहा है, जो घूम घूम कर जनमानस को युग की भावधारा से अनुप्राणित करें, उनके मर्म को स्पर्श कर संवेदनाओं को उभारें। बात समझ में आ गई। उसके उत्साह का पारावार न था। चंड अशोक के कदम अब अशोक महान की ओर बढ़ने लगे। उसने भली भांति जान लिया था कि करुणा की दिव्यता और महत्वाकांक्षाओं की मलिनता दोनों परस्पर विरोधी हैं। जहां एक रहेगी वहां दूसरे का ठहरना टिकना बिल्कुल असंभव है। एक की प्रेरणा है कि अपनी सामर्थ्य के कण कण को जनहित में लगाओ, जबकि दूसरी यही सिखाती रहती है कि किस चालाकी से दूसरों की आवश्यकताओं को भी हड़प कर अपने और लड़के नातियों के लिए जमा किया जाए। अशोक की जागृत आत्मचेतना ने महत्वाकांक्षा को ठोकर मारकर स्वयं के व्यक्तित्व से बाहर निकाल फेंका था। क्रूरता को मरोड़कर कूड़े के ढेर में डाल दिया और जुट गया शांति और सद्भाव की भावधारा बहाने में। समूचे साम्राज्य को प्रेम के शीतल जल से सींचना शुरू किया। साम्राज्य का संचालन ही नहीं, व्यक्तिगत जीवन भी अब अपने परिवर्तित रूप में था। सभी के कहने सुनने मना करने के बाद भी उसने अपनी आवश्यकताओं को कम कर लिया। समाज का सबसे गरीब अधिकतर जिस तरह जीता है, सम्राट उसी तरह जीने लगा। ऐतिहासिक विवरण के अनुसार उसकी कुल संपत्ति थी एक चीवर और एक सुई, केशों के लिए एक छुरा, जल छानने के लिए एक छलनी और एक तूंबा, जो उसका अभिन्न संगी बना। उसने एक शिलालेख में कहा है, मैं सभी जनों के मंगल के लिए कार्य करूंगा, सभी के हित में मेरा हित है, इससे मैं कभी विमुख न रहूंगा। जीवन की सफलता के यही सूत्र हैं। इतना सब करने के बाद उसे हमेशा एक ही टीस बनी रहती, सत प्रवृत्तियों के संवर्धन के निमित्त अधिकतम मैं क्या करूं। एक दिन वह स्वयं आचार्य उपगुप्त के पास गया, पूछा, मैं और अधिक क्या करूं। संघ के संचालन के लिए अपनी संपत्ति का एक अंश और समाज के जन जन तक सद्विचारों का सरिता प्रवाह फैलाने के लिए समय, सद्विचारों का यह प्रवाह अंतःस्थल के कलुष कलमशों को धोता और आत्मसत्ता को झकझोर कर जगाता है। संपत्ति की बात तो ठीक है, पर मैं स्वयं बूढ़ा हो चला हूं, यदि अपने पुत्र को जन चेतना को जगाने हेतु समर्पित कर दूं तो। अत्युत्तम विचार है। पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा ने पिता का बदला हुआ स्वरूप देखा था। देवाना प्रिय अशोक की उस सात्विकता ने जन कल्याण की उस टीस को अनुभव किया था, जिसकी ऊर्जा दिन रात उन्हें क्रियाशील बनाए रखती थी। पिता के आदर्शों पर पुत्र को चलने का अवसर मिल रहा है, उतना ही नहीं उससे अधिक। इससे अधिक सौभाग्य क्या, पुत्र और पुत्री में क्या भेद। भाई कर सकता है तो बहन क्यों नहीं। भाई और बहन दोनों तैयार हुए। उन्हें समाज देवता की अर्चना हेतु समर्पित करते हुए उनकी आंखों में आंसू थे, दुख के नहीं प्रसन्नता के। सम्राट ने इस अवसर पर उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए कहा, पिता संतान को विरासत में कुछ देता है, सारी जिंदगी की जोड़ी हुई कमाई उसे सौंपता है। मैं भी अपने बेटे बेटी की जिंदगी की कमाई के रूप में अपने कलेजे की कसक दे रहा हूं, बेचैनी दे रहा हूं, जिसकी प्रचंड ऊर्जा मुझे अनवरत सक्रिय बनाए रखती है। महेंद्र और संघमित्रा दोनों के मुख से एक साथ निकला, हम धन्य हुए ऐसी विरासत पाकर। संतान और पिता एक दूसरे से अलग हुए, पर अलग कहां, भावों के सदृश सेतु से वह सघनता से जुड़े थे। ईसा पूर्व 232वें साल तक वह जीवित रहे। परवर्ती जीवन में उन्होंने स्वयं परव्रज्या की। अपने कर्तव्य के माध्यम से बताया कि यथार्थ में वीरता वह संवेदनशील जीवन है जो दूसरों की तकलीफों को दूर करने के लिए तत्पर होता है
और वैसे ही करने की प्रेरणा देता है।